राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत के दर्रे से रिलेटिव में टेस्ट की वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ। मैंने आपको कम्युनिटी टैब में पूछा था कि आप टेस्ट की वीडियो चाहते हैं, तो काफ़ी लोगों ने वोट करा था, तो वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो इसमें आप टेस्ट लगाइएगा, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं भारत के दर्रे, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। इसको आपने अच्छे से लगा दिया ना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। अगर एग्जाम में इस रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है ना, 100% आप कर आएंगे। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैंने भारत के दर्रों को ट्रिक से याद करवाया था, तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक थी वो। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और कम्युनिटी टैब में भी आपको पिन कर दी है, तो वो वीडियो आप सबसे पहले देख लीजिएगा, जिससे आपको इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वो अच्छे से समझ में आ सकेंगे। और उसमें जो चीज़ें छूट गई थी तो वो हम लोग इसमें भी कवर कर लेंगे, एक दो चीज़ें थी तो वो इसमें कवर हो जाएंगी हमारे टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा दर्रा आ रहा है वो पिपली घाट दर्रा है, जो कि मैंने उसमें नहीं पढ़ाया था, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसमें जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जो पिपली घाट दर्रा है ये हमारे दक्षिण भारत में पाया जाता है। ये दर्रा दक्षिण भारत में कहाँ पर पाया जाता है? ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री पर्वत, आपको सुना होगा कि जो सह्याद्री पर्वत है वो पश्चिमी घाट में स्थित है, तो ये वहीं पर ये दर्रा पाया जाता है, पिपली घाट दर्रा। ठीक है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो है ना, आप इसी को घुमा फिरा के पूछ लेगा कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर स्थित है, या पूछ लेगा पिपली घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ऐसी क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो याद करिए, वीडियो को रिकॉल करिए, वीडियो को रिकॉल करेंगे अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी तो बता सकेंगे। तो इसका आंसर आएगा ए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को कहाँ से, किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला जो है, अगला है पालगढ़ दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्य को जोड़ता है? तो पालगढ़ दर्रा, अगर मैंने आपको मैप से बताया था, आपको याद होगा कि ये जो है ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ रहा था। किससे जोड़ रहा था? ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ रहा था, तो ए इसका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? सबसे पहले तुजू दर्रा की आप जो है ट्रिक रिकॉल करिए। तो मेरा दोस्त था, मैंने उससे बोला, सांप के पास मणि पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला था तू जा, तो तुजू से हो गया था तुजू दर्रा। आप क्या लेने जा रहा था? मणि, तो मणि से हो गया था मणिपुर। अब मणिपुर किस देश से लगा हुआ है? म्यांमार से लगा हुआ है, तो म्यांमार इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ट्रिक रिकॉल कर रही है, नाथुला ने क्या करे थे? सिक्के चोरी करे थे, तो क्या हुई थी? जेल हुई थी उसको। तो क्या चोरी करे थे? सिक्के चोरी करे थे। तो सिक्का शब्द कहीं मिलता जुलता दिख रहा है आपको ऑप्शन में? दिख रहा है, नो डाउट। तो आंसर इसका सी सही आएगा। क्या आएगा? सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर आएगा खेवर दर्रा। खेवर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। देखिए अभी क्वेश्चन आएगा, लगाइएगा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? ट्रिक को रिकॉल करिए, रोहित नाम का एक लड़का था, उसके सामने क्या आया था? बड़ा छिपकली आया था, तो छिपकली से होगा था छिपकला दर्रा। तो आंसर इसका क्या आएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2011 में पूछा गया है। उसके बाद जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो वो दिया गया है नो डाउट बनिहाल दर्रे को दिया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना, तो आपको नो डाउट ये जो है ना अच्छे से क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? तो दोस्तों, मेरा दोस्त का नाम तो आप जानते ही हैं, क्या नाम था? अरुण। तो उसको गिफ्ट में मैंने क्या दिया था? बम दिया था। तो सिंपल सी बात है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो आपने वो वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी ट्रिक को, कि मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग को। इसके बाद बात करते हैं जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में स्थित, तो बी इसका आंसर सही आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सबसे पहले ट्रिक को आप याद रिकॉल करिए। तो दोस्तों, एक नत्थूलाल का लड़का था, उसने क्या करा था? सिक्के चोरी कर रहे थे, तो क्या हुई थी? उसे जेल हुई थी। तो कौन कौन सा आएगा सिक्किम में? नत्थूलाल, जेल से हो गया था जलेपला दर्रा। तो नत्थूलाल और जलेपला दर्रा, यानी कि नाथूला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो नो डाउट सी इसका आंसर सही आएगा, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर लिया तो 100% आपका जो है भारत के दर्रे क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो नाथूलाल दर्रा, तो भैया नाथूलाल ने क्या करा था? सिक्के चोरी करे थे, तो सिक्का कहीं शब्द दिख रहा है? तो हाँ, नो डाउट आपको दिख रहा है, ये आपके सामने ऑप्शन रहा। तो फर्स्ट क्या हो गया? थर्ड,
थर्ड तो दो में है, लेकिन अगला जो दो देखते हैं उससे आपका आंसर निकल जाएगा, बोमडिला दर्रा। तो बोम किसको दिया था मैंने, अरुण को दिया था। तो जो है सेकंड का क्या है, फर्स्ट। तो सेकंड का फर्स्ट कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी में दिख रहा है, तो सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है तो कहाँ से गुजरती है, तो वो लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। ठीक है, उत्तराखंड, पीएससी का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड के बारे में पूछेगा ही ना। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, लिपुलेख उत्तराखंड में, नो डाउट नाथुला नथुलाल। तो भाई सिक्के चोरी कर रहे थे, अरुण ने थोड़ी ना करे थे, तो नथुलाल और अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो आंसर इसका आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है, टेगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है, तो इसका आंसर आपका आएगा क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी, म्यांमार को जोड़ता है, क्योंकि ये भी कहां पर है, मणिपुर साइट ही है। ठीक है, मणिपुर साइट ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, म्यांमार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खेवर दर्रा कहाँ स्थित है, तो मैंने आपको बताया कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, एसएससी 2002 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पालगढ़ जो है निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो स्थित है, ये नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी है, उनके बीच में स्थित है पालघाट दर्रा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वो वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा। तो दोस्तों रोहित नाम का एक लड़का था, उसके सामने क्या आया था, बड़ा छिपकली आया था, छिपकली आया था, और क्या आया था, बड़ा आया था, तो बड़ा से हो गया था बड़ा लाचा दर्रा, छिपकली से हो गया था छिपकिला दर्रा। ठीक है, तो नो डाउट आपको छिपकला दर्रा तो है ही, बाकी दो दर्रों के नाम नहीं सुने हो आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप घबराना नहीं, आपने छिपकला दर्रा नाम सुना है तो छिपकला आपको मिला हुआ लग रहा है। अब आपने जलेपला भी दर्रा नाम सुना हुआ है, तो क्या ये हिमाचल प्रदेश से है, नहीं भाई साहब नहीं, क्योंकि नत्थूलाल को जेल हुई थी। ठीक है, तो नत्थूलाल को जेल हुई थी क्यों, सिक्के के कारण, तो सिक्किम में है ना वो जलेपला दर्रा, तो जलेपला आंसर इसका सही आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसके बाद बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो बुर्जिल और जोजिला दर्रा नो डाउट जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप और देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपने लगा दिया तो 100% आपके कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने इनके नाम सुनोगे, नाथुला जोजिला और शिपकिला दर्रा का नाम सुनोगा, तो नाथुलाल नो डाउट सिक्किम में आ जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, सेकंड का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, तो फर्स्ट किस में है, सी और डी में, दोनों में है। इसके बाद बात करते हैं जोजिला, जोजिला कहाँ है, नो डाउट जम्मू कश्मीर में है, तो आपका थर्ड भी आना चाहिए टू, तो सी इसका आंसर पूरा सही आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, शिपकिला दर्रा नो डाउट हिमाचल प्रदेश में, तो माणा कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में होगा। ठीक है, माना दर्रा भी मैंने आपको बताया है ना कि मालिनी, तो माना दर्रा कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, क्लियर, नो डाउट कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, क्लियर इतना, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता गुजरता है, तो निम्नलिखित में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता गुजरता है, तो वो है जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रे से लेह जाने का रास्ता गुजरता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये सारे चीज। ठीक है, तो ऊपर वाले का तो सी आंसर सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। तो आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और साथ में अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और प्यारे प्यारे मित्रों को तो शेयर कर ही दोगे आप लोग, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में इस बेल के आइकन को क्लिक करिएगा, ताकि हमारा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा, और ट्रिकी वीडियो तो लाते रहता हूँ, आप लोग की फेवरेट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।